नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है द्रुति और आप सभी का स्वागत है द्रुतिस किचन। जय श्री कृष्ण। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कॉफी फ्लेवर का मग। जैसे कि बाहर मार्केट में कूल कैफे करके मिलता है, सेम वही टेस्ट आप घर पे बनाओगे, वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेशन के। और सबसे बेस्ट पार्ट, आप इस प्रीमिक्स को बना के 6 से 8 महीना रख सकते हो और आप इसे कमर्शियली सेल भी कर सकते हो। देखिए, इसमें से हमने इस तरह के कूल कैफे बनाया है कॉफी फ्लेवर का। तो चलिए मेरे किचन में देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे टिप्स और सारे ट्रिक्स समझ में आए और आपकी भी कॉफी। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर एंड 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे पाउडर शुगर, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर एंड कॉफ़ी। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह के पैकेट में इसे पैक कर लेंगे। उस तरह से मैं पूरा पैकेट पैक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, पैकेट हमारे इस तरह से बनके रेडी है। आप इसे सेल करना चाहो तो सेल कर सकते हो। अब एक भगोने में मैंने लिया है 200 ml मिल्क, उसके सामने मैं 20 ml पानी डाल रही हूँ और उसके सामने 2 टेबलस्पून हम कॉफ़ी वाला जो मिक्सर रेडी किया था वो डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस पे इसे एक उबाल आने के लिए हम छोड़ देंगे। तो गैस पे मैंने रख दिया है और स्लो फ्लेम पे आपको इसे कंटिन्यूस इस तरह से चलाते रहना है। और 2-3 मिनट तक आपको इस तरह से मिक्स करते रहना है। ठीक है, तो ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको एक बॉटल में या ग्लास में भर लेंगे। अब इसे मैं एक बॉटल में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा कॉफ़ी फ्लेवर का मिल्क बनके रेडी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन से फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 8980728096। बाय बाय, धन्यवाद।